राजकुमारी नंदिता और राजकुमार यजवेंद्र अब तक जाती स्मरण क्रिया में थे और अपने तीसरे जन्म को देख रहे थे, जिसमें राजकुमारी नंदिता वसुधा के रूप में थी और राजकुमार यजवेंद्र एक मोर के रूप में। अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरी वसुधा को नीला पड़ते देख व्यापारी को कुछ समझ न आया, मगर तभी मोर ने वसुधा के पास पड़ा हुआ वो आम जो रोगी अम्मा ने विशेष रूप से वसुधा को दिया था अपनी चोट से लुढ़काते हुए व्यापारी के सामने खिसका दिया। व्यापारी की नजर जैसे ही आम पर गई, उसे सारा माजरा समझ आ गया। आम को वसुधा ने एक तरफ से उतरा था। ये देख उसे समझते देर न लगी कि नागिन ने अपना विष इस आम के जरिए वसुधा तक पहुंचा दिया है और अनजान वसुधा नागिन की चाल को रागी अम्मा का प्यार समझ बैठी और मोर के वहां पहुंचने से पहले ही वसुधा उस आम का एक निवाला खा चुकी थी। सारी बात समझ आते ही व्यापारी वसुधा को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितनी हिफाजत से रखा अपनी बेटी को, हमेशा यही कोशिश करता रहा कि उस नाग नागिन की नजर मेरी बेटी पर ना पड़े, लेकिन फिर भी देखो कुंडली में लिखी हुई बात आखिरकार सच साबित हो ही गई। व्यापारी को इस तरह दुखी होते देख मोर भी उसके पास जाकर बैठ गया और सहानुभूति जताते हुए उसकी गोद में लेटी वसुधा को देख आंसू बहाने लगा। उसके होते हुए वसुधा का इस तरह अकाल मृत्यु से मर जाना उसे बहुत दुख पहुंचा रहा था। इस समय भले ही मोर व्यापारी की तरह शब्दों के जरिए अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके मन में लगातार यही बात चल रही थी। इन तीनों जन्मों में जब से मैंने उस हिरन और हिरनी को अलग किया, मैं अपनी जीवन संगिनी से भी अलग ही रहा हूँ। अरे, कभी एक योनि में जन्म ही नहीं मिला, तो मिलन होना तो दूर की बात है। अलग अलग योनि में जन्म लेकर हम लोग साथ रह भी लेते, परंतु उस हिरन और हिरनी की जोड़ी को ये भी गवारा ना हुआ। जब दोनों घड़ियाल के रूप में आए तो मेरी मछली छीन ली और अब मेरी वसुधा को मुझसे दूर कर दिया। हमारे साथ ही अन्याय क्यों? हमें भगवान ने एक योनि में जन्म क्यों नहीं दिया? अनजाने में किए हुए पाप की आखिर और कितनी सजा भुगतेंगे हम लोग? मोर के मन में चलने वाली बातें व्यापारी को साफ समझ आ रही थी, परंतु वो अभी अपनी पुत्री के वियोग में था, इसीलिए मोर को कुछ समझा न सका। जब कुछ समय बाद व्यापारी शांत हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी पुत्री का विधिवत क्रियाकर्म किया और फिर बड़े ही दुखी मन से मोर से बोला, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। पहले जन्म में जब तुम शेर थे तो भले ही तुमने उस अजन्मे हिरण को मारकर महापाप किया हो, परंतु दूसरे जन्म में राजकुमार के रूप में और इस जन्म में मोर के रूप में तुमने जो भी किया अपना धर्म जानकर किया। ऐसे में तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता, इसीलिए तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्न सही हैं। मैं अभी तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अब अगले जन्म के लिए कुछ सलाह अवश्य दे सकता हूँ। देखो, मेरी पुत्री वसुधा के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो बेहतर होगा कि तुम अपना बचा हुआ जीवन तपस्या में लीन कर दो, क्योंकि अनजाने में ही सही पर नागिन को मारकर इस जन्म में भी तुमने अपने सिर पर पाप चढ़ा दिया है, लेकिन नागिन को भी उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। अरे, उसने तो छल से मेरी बेटी को मारा है और तुमने मेरी बेटी की रक्षा के लिए उस नागिन को मारा। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसीलिए अब तुम्हें बस अपने अनजान कर्म का प्रायश्चित करना है। मैं भी चाहता हूँ कि अगले जन्म में तुम दोनों एक साथ एक योनि में जन्म लो, जिससे तुम्हारा मिलन हो सके। व्यापारी की बात सुनते ही मोर तुरंत जंगल की ओर चला गया और ईश्वर की आराधना में लीन हो गया। इधर दूसरी ओर जब चंद्रमौली ने नाराज होकर रंभा से टापू पर जाने की बात कही तो वो चंद्रमौली की बात मानकर अपने कक्ष की ओर चली गई, परंतु उसका ध्यान चंद्रमौली पर ही था। जैसे ही उसने चंद्रमौली को वहां से टापू के लिए जाते देखा तो वो भी चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। सधे कदमों से वो चंद्रमौली का पीछा करते हुए जब उधमपुर से टापू के मार्ग पर कुछ दूर पर पहुंची तो अचानक ही चंद्रमौली बीच रास्ते से गायब हो गई। ये देख रंभा परेशान होकर अपने चारों ओर देखने लगी और फिर मन ही मन सोचने लगी, ये गुरुमा अचानक न जाने कहां गायब हो गई। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं उनका पीछा कर रही हूं और इसीलिए अदृश्य होकर सीधे टापू पर जा पहुंची हूं। नहीं नहीं, शायद मैं गलत सोच रही हूं। यदि उन्हें मेरे यहां होने की भनक भी लगती तो वो तुरंत पलटकर मुझे टोक देती, मगर वे अचानक गायब तो न होती। लगता है मुझे सीधे टापू पर जाकर ही इस बात का पता करना होगा। ऐसा सोच रंभा बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ने लगी। रास्ते भर वो बड़ी चौकन्नी रही और चारों तरफ नजरें घुमाते हुए गुरुमा को खोजने का प्रयास भी करती रही, परंतु गुरुमा उसे कहीं न मिली। आखिरकार जब वो टापू पर पहुंची तो उसे देख उसकी सारी सखियां वहां दौड़ी चली आती। वे सभी रंभा को गले लगाकर अपनी खुशी जताने लगी। रंभा भी इतने समय बाद जब अपनी सहेलियों से मिली तो एक समय के लिए गुरुमा को भूल गई। उसने भी सबसे गले मिलकर उनका हालचाल जाना। सभी रंभा को देखते ही जैसे उस पर टूट पड़ी थी। कैसी है तू? इतने दिनों बाद आज हमसे मिलने क्यों आई? गुरुमा कैसी है और जिस काम के लिए वहां गई थी वो काम कैसा चल रहा है? तभी रंभा की एक सहेली ने उसके कंधे पर अपना कंधा हल्के से टकराया और ढिठोली करते हुए पूछने लगी, और बता, राजकुमार यजवेंद्र से तेरी कोई बात बनी या अब तक तू उन्हें वैसे ही छेड़ती रहती है जैसे यहां करती थी? रंभा अपनी सभी सहेलियों की बातें सुनती जा रही थी, पर उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो बार बार बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, गुरुमा कैसी है? वे यहां क्यों नहीं आई? रंभा अपनी सहेलियों को रोकते हुए थोड़ी हैरानी के साथ बोली, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले गुरुमा को बुलाओ, कहाँ है वो? रंभा की प्रतिक्रिया देख सभी लोग एकदम से शांत हो गए और हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से एक उसके नजदीक आई और अचरज भरे स्वर में बोली, ये क्या कह रही है तू? गुरुमा तो तेरे साथ गई थी ना, फिर यहाँ कैसे हो सकती है? हम लोग तो खुद ही तुमसे यही पूछ रहे थे कि गुरुमा तेरे साथ क्यों नहीं आई, क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती?
क्या उनका मन नहीं करता कि एक बार टापू जाकर ये देख जाएं कि हम लोग उनके मार्गदर्शन के बिना यहाँ कैसे जी रहे हैं। इतना सुनते ही रंभा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, गुरुमा तो मेरे सामने ही टापू के लिए निकली थी, मैं खुद उनका पीछा करती हुई यहाँ आई हूँ, परंतु आधे मार्ग से ही पता नहीं वो कैसे गायब हो गई। रंभा की बातें सुनते ही टापू पर मौजूद उसकी सभी सहेलियां हैरान रह गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, रंभा इस तरह की बातें क्यों कर रही है। तब रंभा ने सबकी उलझन को भांपते हुए पूरी बात बता डाली। जो कुछ भी उसे गुरुमा को लेकर महसूस हो रहा था, गुरुमा से उसकी जो भी बातें हुई थी, उनके व्यवहार में जो बदलाव रंभा ने महसूस किया था, सब कुछ बता देने के बाद रंभा परेशान होकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरुमा इतना बदल कैसे गई, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वे जैसे इस टापू पर थी वैसे उधमपुर के महल में नहीं है, और मुझे भय है कि अवश्य ही वो किसी काली शक्ति के वश में है। इतना सुनते ही त्रिवेणी उसके नजदीक आई और रंभा को एकांत में ले जाकर समझाते हुए बोली, देख रंभा, तू जानती है मुझे थोड़ा बहुत तंत्र विद्या का ज्ञान है, मैं तुझे ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिसके द्वारा तुझे साफ साफ पता चल जाएगा कि गुरु माँ किस शक्ति के वशीभूत है। रंभा आश्चर्य से बोली, फिर जल्दी बता, मैं गुरु माँ की सच्चाई जल्द से जल्द जानना चाहती हूँ, बता क्या उपाय है। इधर दूसरी ओर भानगढ़ में जब साधु सुमंत से मिला तो उसके बदले हुए स्वरूप को देख प्रभावित हुए बिना ना रह सका। सुमंत के हाव भाव, चाल ढाल और आवाज सब कुछ स्त्री जैसे थे। ये देख साधु प्रसन्न होकर कहने लगा, चलो आधी तैयारी तो तुमने कर ही ली है, अब आधी तैयारी मैं करवा देता हूँ। ऐसा कह साधु ने सुमंत को महल के गुप्त मार्गों के बारे में बताते हुए महल में उपस्थित सभी लोगों का संक्षिप्त परिचय भी दे दिया। महाराज, महारानी और कल्पी सबके बारे में बताते हुए वो सुमंत को सचेत करते हुए बोला, देखो सुमंत, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें हर समय राजकुमारी सुनैना की मूर्ति पर नजर रखनी होगी। अब ये कैसे करोगे ये तुम जानो, क्योंकि वो लाल हीरा कब अपने वास्तविक रूप में आ जाए ये हम लोगों में से कोई नहीं जानता। एक बात का ध्यान रखना कि लाल हीरे के वास्तविक रूप में आते ही राजकुमारी नंदिता और राजकुमार युजवेंद्र की वापसी भी महल में चाहे जब हो सकती है। उनके आने से पहले यदि तुम राजकुमारी सुनैना और हीरा लेकर वहां से निकल पाए तब तो ठीक है, परंतु यदि वे दोनों महल में आ गए तो फिर तुम्हारा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए राजकुमारी सुनैना के वास्तविक रूप में आने के बाद बेहतर होगा कि तुम एक क्षण भी उस महल में ना बिताओ और हीरा लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ो। सुमंत बड़े ध्यान से साधु की बातें सुन रहा था, मगर तभी उन दोनों का ध्यान साधु के पीछे से आने वाली आवाज से टूटा। आप सुमंत को राजकुमारी सुनैना के लिए भेज रहे हैं या सिर्फ उस तिलिस्मी लाल हीरे के लिए? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि राजकुमारी से ज्यादा फिक्र आपको उस तिलिस्मी लाल हीरे की है। यह आवाज सुनते ही साधु बुरी तरह चौंक पड़ा और उसने तुरंत पलट कर देखा। इधर दूसरी ओर गुरुजी के आश्रम में जब जाति स्मरण क्रिया के द्वारा राजकुमार युजवेंद्र और राजकुमारी नंदिता ने अपने पूर्व जन्मों का हाल देख लिया और तीनों जन्म पूर्ण हो चुके, तब वे दोनों ही अपनी अपनी आंखें खोल आसन पर बैठ गए। राजकुमार युजवेंद्र ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हमारे पूर्व जन्मों का हाल तो आपने बखूबी दिखा दिया और अब हमें पता चल गया कि हर जन्म में हम अपनी किस बात की सजा भोगते आ रहे हैं, और ये भी पता चल गया कि हर जन्म में हमें उन दोनों का सामना करना ही पड़ेगा, परंतु इस जन्म में तो हमें अब तक वे लोग नहीं मिले हैं, क्या उन दोनों ने इस बार जन्म नहीं लिया? राजकुमारी नंदिता भी राजकुमार का साथ देते हुए आगे बोली, हाँ गुरुजी, हम लोग तो अपने ही श्रापों के छुटकारे का उपाय ढूंढ रहे थे, हमें जरा भी आभास नहीं था कि हमारे श्राप के पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती है, परंतु हमारे तीनों जन्मों का हाल देखने के बाद अब मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर वे दोनों इस जन्म में कहाँ हैं, क्या अभी वे हमसे बदला लेने की फिराक में हैं? दोनों के एक साथ इतने सारे प्रश्न सुन गुरुजी बड़ी आत्मीयता से मुस्कुराते हुए बोले, इतना कौतूहल, अब जब तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो और अपने पूर्व जन्मों का हाल भी देख लिया है तो इतना विश्वास रखो कि इस जन्म का रहस्य भी सुलझ कर ही रहेगा। रही बात उन दोनों के जन्म लेने की, तो जब तक उन दोनों का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता उन्हें मोक्ष तो नहीं मिलेगा, यानी कि उन दोनों ने जन्म तो लिया ही होगा, परंतु कहाँ लिया है और किस रूप में लिया है ये तुम दोनों को पता करना होगा। मैं तो बस अनुमान लगाकर बता सकता हूँ कि वे तुम्हें कब और कहाँ मिलेंगे, अब मिलना कैसे है ये तुम लोग तय कर सकते हो। बस ये समझो कि अब मेरा आश्रम तुम्हारा अंतिम पड़ाव है और उन दोनों तक पहुँचना और उनसे मिलकर अपने पाप का प्रायश्चित करना तुम दोनों की अंतिम परीक्षा। यदि इसमें सफल हुए तो न सिर्फ राजकुमारी सुनैना की मूर्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी और वो तिलिस्मी लाल हीरा तुम्हें मिल जाएगा, बल्कि राजकुमार युजवेंद्र के श्राप से मुक्त होने का उपाय भी मिल जाएगा। गुरुजी के मुंह से ऐसी आशा भरी बातें सुन राजकुमार युजवेंद्र और राजकुमारी नंदिता की आंखों में चमक आ गई और दोनों एक साथ बोल पड़े, तो बताइए गुरुदेव, अब देर किस बात की, बताइए हमें उन दोनों तक पहुंचने के लिए अब आगे क्या करना है। राजकुमार युजवेंद्र और राजकुमारी नंदिता के मन में गुरुजी की बातें सुन एक उम्मीद जाग उठी थी। उन दोनों के पूछने पर गुरुजी ने आंखें बंद करते हुए ध्यान लगाया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर राजकुमारी नंदिता से बोले, तुम दोनों की तरह ही वे दोनों भी इस संसार में जन्म ले चुके हैं, परंतु नागिन ने वसुधा के साथ जो छल किया
उसका परिणाम उसे इस जन्म में मिला है, और इसीलिए वे दोनों इस जन्म में एक ही योनि में पैदा होते हुए भी एक दूसरे को जानते तक नहीं। यहाँ तक कि वे दोनों एक लोक के वासी भी नहीं हैं, और ना ही उन्हें तुम दोनों के विषय में कुछ भी याद है। बस ये समझो कि इस संसार में आने के बाद वे सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोर के रूप में राजकुमार युजवेंद्र ने पिछले जन्म में जो ईश्वरीय आराधना की, उसी का परिणाम है कि आज तुम दोनों इंसान के रूप में मेरे सामने बैठे हो, और सिर्फ इंसान ही नहीं, राजकुमार और राजकुमारी के रूप में इस धरती पर आए हो। सोचो यदि ऐसा होता कि एक उच्च कुल में होता और एक निम्न कुल में, तब क्या तुम दोनों का मिलन हो पाता? नहीं ना, तुम तो इस जन्म में एक दूसरे के पति पत्नी हो, और उन्हें ये तक नहीं याद कि वो एक जोड़ा है। इतना सुनते ही राजकुमार उत्साहित होकर बोले, यानी कि उन दोनों को कुछ भी याद नहीं है और वे एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं? तो फिर वे हमसे बदला लेने भी नहीं आएंगे, तब तो ये जन्म अच्छे से व्यतीत होगा। इतना सुन राजकुमारी नंदिता भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ, यानी कि इस जन्म में हमें उन दोनों से कोई खतरा नहीं है। दोनों का उतावलापन देख गुरुजी हंसते हुए बोले, खतरा तो तुम लोगों को खुद मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति जो चाहिए, इसीलिए तुम्हें स्वयं उन दोनों के पास जाना है। यही नहीं, दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उन्हें अपने पूर्व जन्मों का सारा हाल याद आ जाए, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव करें, तभी तो उनका मिलन होगा। परंतु तब तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा, यदि उन्हें याद आ गया कि हमारी वजह से ही वे अपने पहले जन्म में अलग हुए थे, तो फिर वे हमारी बात सुनेंगे ही क्यों? राजकुमारी नंदिता हताश होकर बोली, तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा, बिना कोशिश करे हार मानना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को कैसे करना है ये तुम दोनों को स्वयं सोचना होगा। रही बात खतरे की, तो उसके लिए मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करूंगा, जिससे उनके साथ रहते हुए भी तुम्हारी जान को कोई खतरा ना रहे। तभी राजकुमार युजवेंद्र कुछ चिंतित होकर बोले, परंतु राजकुमारी नंदिता को मैं छू भी नहीं सकता, यदि उनके ऊपर कोई खतरा आया तो मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगा? ये सुन गुरुजी फिर से मुस्कुराने लगे और राजकुमार युजवेंद्र को समझाते हुए बोले, तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने कहा कि वे दोनों अलग अलग लोकों में हैं, पृथ्वी पर नहीं है, यानी कि एक आकाश में है तो एक पाताल लोक में। अब अलग अलग लोकों में जाने के लिए तुम दोनों को भी अलग अलग जाना होगा, एक साथ नहीं, इसीलिए कोई किसी की जान की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि तुम दोनों को स्वयं अपनी अपनी रक्षा करनी होगी, और उन बिछड़े हुए साथियों को भी मिलाना होगा। इतना सुनते ही राजकुमार युजवेंद्र और राजकुमारी नंदिता चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ गुरुजी से प्रश्न पूछ बैठे, मगर अलग अलग कहीं हम दोनों ही ना बिछड़ जाएं। इधर दूसरी ओर भानगढ़ में जब साधु सुमंत को नक्शा दिखाते हुए उधमपुर के महल के गुप्त मार्गों के बारे में बता रहा था, तो अचानक से पीछे आने वाली आवाज सुनकर दोनों ही चौंक गए। जब साधु और सुमंत ने मुड़कर देखा तो वहां महाराज कौशलेंद्र खड़े हुए थे। उन्हें देख साधु की बजाय सुमंत ने आगे बढ़कर उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो कौशलेंद्र? राजकुमारी सुनैना के साथ साथ उस तिलिस्मी लाल हीरे का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। राजकुमारी सुनैना एक बार पूरी तरह जीवित हो जाएं, तो वे तो स्वयं मेरे साथ भानगढ़ आने के लिए तैयार हो जाएंगी, परंतु उस तिलिस्मी लाल हीरे पर कई लोगों की नजर गड़ी है, इसीलिए साधु बाबा मुझे उसी के बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे राजकुमारी सुनैना के साथ उस तिलिस्मी लाल हीरे को लेकर वहां से सुरक्षित और शीघ्रता से निकल सकता हूं। सुमंत की बातें सुन कौशलेंद्र भी कक्ष के भीतर आ गया और साधु बाबा के हाथ में पकड़े हुए नक्शे को देखने लगा। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ये जो पूर्वी द्वार दिखाई दे रहा है, ये सुनैना के कक्ष के ठीक पीछे है। तुम सबसे पहले इस द्वार से निकलने की कोशिश करना, और यदि तुम्हें कोई खतरा जान पड़े तो सुनैना वाले कक्ष के ऊपर जाकर ये लाल रंग का चून जला देना, जिससे उठने वाला धुआं देखते ही मेरे खबरी तुम तक पहुंच जाएंगे। कहते हुए साधु ने एक लाल रंग की डिब्बी सुमंत को पकड़ा दी। ये देख कौशलेंद्र ने खुश होकर कहा, मानना पड़ेगा, साधु बाबा ने तैयारी तो पुख्ता की है, इसीलिए तुम निश्चिंत रहना। और हाँ, मेरे गुप्तचर अब भी उस महल में है, तो तुम किसी भी बात के लिए घबराना मत, क्योंकि अक्सर हम घबराहट में ही गलती कर बैठते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा कह सुमंत उन लोगों से विदा लेकर वहां से निकल पड़ा। इधर दूसरी ओर रंभा ने जब त्रिवेणी से उपाय बताने के लिए कहा, तो वो रंभा को अपने साथ ले गई और एक चून की पुड़िया पकड़ाते हुए बोली, ये जादुई भस्म है, इसे किसी भी प्रकार से गुरु माँ को खिला देना, बस इसे खाते ही उनके ऊपर जो भी काली शक्ति है वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि गुरु माँ असल में कौन है। इतना सुनते ही रंभा त्रिवेणी से बोली, ठीक है, मैं फौरन निकलती हूँ। रंभा तुरंत उस चून को लेकर वहां से रवाना हो गई। जब वो उधमपुर के महल में पहुंची तो देखा चंद्रमौली अपने कक्ष में नहीं थी। वो चंद्रमौली के कक्ष में जाकर विश्राम करने का बहाना करते हुए लेट गई और चंद्रमौली के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं कल्पी इन सारी बातों से अनजान था। वो जब सोकर उठा तब काफी समय बीत चुका था। उसे इतना भी याद नहीं था कि सुबह उसने रंभा के साथ कैसा व्यवहार किया था। जब कल्पी ने देखा रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही समय हो चुका है, तो वो चारों ओर देखते हुए चंद्रमौली को खोजने लगा। तभी उसके कक्ष में मौजूद सेवक ने कहा, गुरुमा आपके लिए संदेश छोड़कर गई हैं, वे किसी जरूरी काम के लिए महल से बाहर हैं, इसीलिए आज आप उनकी प्रतीक्षा ना करें और महाराज के साथ सभा में बैठें। अपना काम खत्म होने के बाद वे भी सभा में ही उपस्थित हो जाएंगी। सेवक की बात सुन कल्पी ने ठीक ऐसा ही किया। स्नान वगैरह करके वो तुरंत ही सभा में जा पहुंचा।
परंतु पहुंचते पहुंचते उसे थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि सभा अपने नियत समय पर प्रारंभ हो चुकी थी। जैसे ही वो भरी सभा के बीचों बीच पहुंचा तो महारानी उसे घूरते हुए बहुत धीमे स्वर में महाराज से बोली, आप ऐसे सभा में ना पाबंद होने वाले व्यक्ति को युजवेंद्र के बराबर देखते हैं। देखिए, इसे ना तो सभा में आने का समय पता है और ना ही तरीका। महाराज ने महारानी की बात पर कोई ध्यान न दिया और वापस सभा की कार्यवाही आगे बढ़ा दी। कल्पी जाकर महाराज के ठीक बगल वाले सिंहासन पर बैठने लगा जो कि राजकुमार युजवेंद्र के लिए निर्धारित था। ये देख महारानी की त्योरियां चढ़ गई और वे भरी सभा में कल्पी को रोकते हुए बोली, ठहर जाओ कल्पी, वो तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम पुत्र युजवेंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। महारानी की बात सुनते ही कल्पी उन्हें घूर कर देखने लगा मगर वो कुछ कह पाता उसके पहले ही महाराज ने महारानी को शांत करते हुए धीमे स्वर में कहा, महारानी कम से कम सभा की मर्यादा का ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। भरी सभा में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं। अभी युजवेंद्र सभा में नहीं है, ऐसे में यदि कल्पी उनके स्थान पर बैठ भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई परेशानी होने वाली है। फिर आप बिना वजह की बातें कर सभा में व्यवधान क्यों कर रही हैं? महाराज की बात सुन महारानी अपमान का घूंट पीकर चुप रह गई और कल्पी इतराते हुए राजकुमार युजवेंद्र की जगह पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद सभा के द्वारपाल ने भीतर आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, दूर देश से कोई स्त्री आई है, कहती है कि रसोई पकाने में दूर दूर तक उसका कोई मुकाबला नहीं। आपके लिए खास पकवान बनाकर लाई है और आपको चखाना चाहती है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे सभा में ले आऊं। महाराज ने कुछ सोच विचार कर सहमति दे दी और थोड़ी ही देर में थुमकती हुई एक स्त्री अपने साथ एक जोड़ीदार लिए सभा में आ पहुंची। दोनों के हाथों में दो बड़े बड़े थाल थे जिनमें से पकवान की बढ़िया खुशबू आ रही थी। महाराज ने उस स्त्री से पूछा, सबसे पहले तुम दोनों अपना परिचय दो, यूं रसोईया का सभा में आना और फिर हमारा किसी अजनबी के हाथों से बना हुआ व्यंजन चखना, भला हम क्यों करें ये सब? ऐसी क्या बात है तुम्हारे व्यंजन में जो तुम मुझे इसका स्वाद चखाने आई हो? इतना सुन उस स्त्री ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। आप मुझ जैसी छोटी सी रसोई पकाने वाली को नहीं जानते, परंतु मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बहादुरी के कई किस्से सुने हैं मैंने और ये भी सुना है कि कलाकारों की बहुत कद्र करते हैं आप। मेरा नाम अन्नपूर्णा है। ऐसे तो मैं कई राज्यों में महाराज की खास रसोईया बनकर काम कर चुकी हूँ, परंतु मैं खुद को सिर्फ एक रसोईया नहीं, एक कलाकार समझती हूँ। और इसीलिए मेरा मानना है कि कला की परख तभी होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आए। बस यही सोचकर मैं अपने इस गुण को सबके सामने लाने का प्रयास करती रहती हूँ। जब आपके बारे में मुझे पता चला तो मन हुआ क्यों ना अपनी पाक कला मैं आपके सामने पेश करूं। मेरे साथ ये मेरा सहायक है, ये बोल नहीं सकता परंतु खाना बनाने में बिल्कुल मेरी तरह है। लाजवाब, हम दोनों ही अपने हाथों से कुछ ऐसे अनोखे पकवान बनाकर लाए हैं जो शायद ही आपने पहले चखे हों। आपसे गुजारिश है कि एक बार आप इन पकवानों का स्वाद चखें और बताएं कि मेरा दावा सही है या गलत। इतना सुन सभी सभासदों में खलबली मच गई। एक रसोईये को इतने आत्मविश्वास के साथ खुद की तारीफ करते सभी लोग पहली बार देख रहे थे। सभा में खुशफुसाहट बढ़ते देख अन्नपूर्णा ने तुरंत दोनों थाल के ऊपर से चादर हटा दी और पकवान महाराज की ओर बढ़ाते हुए बोली, महाराज आप चाहें तो आपके सभा के सदस्य भी इन पकवानों का आनंद ले सकते हैं। एक थाल में शाकाहारी पकवान है और दूसरे में मांसाहारी। किसी के भी चखने से पहले कल्पी आगे आया। उसने महाराज से विनम्रता से कहा, कोई कितना भी बड़ा रसोईया क्यों ना हो पर हम उस पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहले इसे तुम खुद चखो, उसके बाद ही सभा में कोई खाएगा। अन्नपूर्णा ने पूरी बात सुनी और फिर बोली, ठीक है। अन्नपूर्णा को एक चमचा पकड़ा गया और उसने बारी बारी पकवान चखे। जब ये सुनिश्चित हुआ कि पकवान सही है तो महाराज ने तुरंत आदेश दिया। कल्पी ने जैसे ही मांसाहार पकवान देखा उसके अंदर का दैत्य फिर जा गया और वो महाराज के सामने से झपटते हुए मांसाहार पकवानों का थाल छीन कर एक बगल खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, इसे तो सिर्फ मैं खाऊंगा। ऐसा कह वो जल्दी जल्दी पकवान खाने लगा। कल्पी को ऐसी हरकतें करते देख सभी उसे हैरान होकर देख रहे थे। महारानी से रहा न गया और वे गुस्से से आग बबूला होकर कल्पी के पास आई और उसकी बदतमीजी के लिए एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, तुम सभा में बैठने लायक नहीं हो कल्पी, ये तुम्हारा कक्ष नहीं बल्कि उधमपुर राज्य की सभा है और तुम यहाँ बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो। खान पान का तरीका होता है, ये क्या दानवों की तरह शुरू हो गए हो? महारानी के ये शब्द सुनते ही कल्पी की आंखें गुस्से से लाल हो गई पर महारानी बोलते जा रही थी, महाराज आप ही इसे उधमपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे थे ना, देख लीजिए कितना फर्क है इस जाहिल और पुत्र युजवेंद्र में। अरे सिर्फ सिंहासन पर बैठ जाने से कोई राजकुमार नहीं हो जाता, तहजीब तो खून में होनी चाहिए। महारानी बोलती जा रही थी और सब लोग कल्पी को देख रहे थे। कल्पी भरी सभा में महारानी का थप्पड़ खाकर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। ऊपर से जब महारानी की खरी खोटी बातें भी बहुत देर तक बंद न हुई तो कल्पी एकदम से आग बबूला हो गया। उसने आवेश में आकर भोजन का थाल एक तरफ फेंक दिया और अपनी तलवार निकालकर सीधे महारानी के ऊपर तान दी। ये दृश्य देख सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर भय के भाव लिए खड़े हो गए। आखिर क्या होगा महारानी के साथ? कल्पी को इस तरह अपनी तलवार निकालते देख महारानी की आंखें भी हैरानी से खुली रह गईं। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि भरी सभा में कल्पी इस तरह उनका अपमान कर सकता है। महाराज भी भयभीत होकर तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हुए और कल्पी को रोकते हुए बोले,
ठहर जाओ कल्पी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए महारानी के ऊपर इस तरह तलवार खींचने की? कि अब छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा तुम्हारे अंदर? मैं कहता हूँ अभी के अभी तलवार हटाकर महारानी से क्षमा मांगो। महाराज सूर्य प्रताप भले ही कल्पी को डांट रहे थे और समझाने का प्रयास कर क्षमा मांगने को कह रहे थे, परंतु महारानी ये देख क्रोधित थी कि उन्होंने बजाय कल्पी को कोई सजा देने के बस माफी मांगने के लिए कहा। महाराज का ऐसा रवैया देखते ही महारानी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और वे कल्पी को घूरते हुए तुरंत सभा छोड़कर वहां से चली गई। कल्पी का गुस्सा महारानी के जाने के बाद भी शांत नहीं हुआ था, उसकी आंखों में तो खून उतर आया था। महाराज और सभा के अन्य सभी सदस्य यही सोच रहे थे कि कल्पी चुप बैठने वाला नहीं है, और इसीलिए महाराज ने कल्पी को रोकते हुए आदेश दिया। कल्पी, पहले ही बहुत नाटक हो चुका है, मैं कहता हूँ तुरंत अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। सामने खड़ी अन्नपूर्णा और उसका सहायक भी आंखें फाड़े ये दृश्य देख रहे थे। अन्नपूर्णा बड़ी हिम्मत करके महाराज से बोली, महाराज क्षमा करें, लगता है मैंने सभा में आने के लिए गलत दिन चुन लिया, परंतु जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी या मेरे द्वारा बनाए गए पकवानों की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि राजकुमार को मेरे हाथों के पकवान इतने ज्यादा पसंद आएंगे कि वे सब कुछ भूलकर बस खाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अन्नपूर्णा के मुंह से अपने लिए राजकुमार का संबोधन सुन कल्पी का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया और वो अगले ही क्षण खुश होकर बोला, हाँ तुम्हारे पकवान बहुत स्वादिष्ट थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए रोज भोजन तुम ही बनाओगे। ऐसा कह कल्पी सहमति के लिए महाराज की ओर देखने लगा। महाराज, जो कि अब तक महारानी के सभा से चले जाने के कारण क्रोध में थे, कुछ न बोल पाए। उनकी चुप्पी देख कल्पी ने उलाहना देते हुए कहा, इतना अधिकार तो मुझे होगा ही ना पिताजी, कि अपनी पसंद का रसोईया नियुक्त कर सकूं, या उसके लिए भी महारानी से आज्ञा लेनी होगी। कल्पी की बातें सुन महाराज खुद को संभालते हुए बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अन्नपूर्णा आज से तुम कल्पी की खास रसोईया बनकर यहाँ नियुक्त की जाती हो। जाओ, हमारे सेवक तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा देंगे। इतना सुन अन्नपूर्णा अपने सेवक के साथ वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो अपने ठीक पीछे चंद्रमौली को खड़ा पाया। चंद्रमौली और अन्नपूर्णा दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान थी, इसलिए अन्नपूर्णा चंद्रमौली पर कुछ भी ध्यान दिए बिना चुपचाप वहां से निकल गई। परंतु चंद्रमौली ने एक नजर में ही अन्नपूर्णा को ऊपर से नीचे तक ताड़ लिया और फिर कल्पी और महाराज की तरफ देखते हुए बोली, क्षमा करें महाराज, मुझे जरूरी काम से टापू पर जाना पड़ा, परंतु जब मैं सभा में आई तो महारानी को यहां से बाहर जाते देखा और वे बहुत क्रोध में दिख रही थी। सब ठीक तो है ना? मेरे सभा में आने से पहले कुछ हुआ था क्या? इधर दूसरी ओर जब राजकुमारी नंदिता और राजकुमारी युजवेंद्र ने अपनी आशंका जताते हुए गुरुदेव से पूछा कि अकेले जाना कहीं उन दोनों को ही संकट में न डाल दे, तो गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी किसी का साथ पाने के लिए पहले हमें उससे दूर होना ही पड़ता है, और रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों को अब पूरा माजरा समझ आ चुका है। ऐसे में यदि श्राप से मुक्ति चाहिए तो यही एक उपाय है। अब फैसला तुम दोनों को लेना है, या तो एक दूसरे का साथ छोड़कर उपाय को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो और अलग अलग लोक में जाकर गंधर्व को खोज निकालो, या फिर एक दूसरे के साथ यूं ही दूर दूर रहकर जीवन व्यतीत कर दो। जो भी है सब तुम दोनों के सामने है, परंतु इतना याद रखना कि श्राप मुक्ति का इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। गुरुजी का ऐसा रूखा उत्तर सुन राजकुमारी नंदिता और राजकुमार दोनों ही शांत रह गए। राजकुमारी नंदिता उदास होकर बोली, मुझे लगता है हमें आगे बढ़कर गंधर्व को मिलाने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह जीवन व्यतीत करने से बेहतर है कि हम कुछ समय के लिए दूर ही हो जाएं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कम से कम मिलन की आस तो बनेगी। राजकुमारी नंदिता की उदासी देख राजकुमार युजवेंद्र कुछ कह न सके। उन्हें मन ही मन राजकुमारी नंदिता की बहुत चिंता हो रही थी। उनकी खामोशी देख राजकुमारी नंदिता सब समझ गई। उन्होंने राजकुमार की मनोदशा भांप ली और बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी से बोली, गुरुजी हम दोनों ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं चाहती हूँ मैं पाताल लोक में जाऊँ और राजकुमार युजवेंद्र गगन लोक में, क्योंकि मेरे पास जल के भीतर भी सांस लेने की शक्ति है और राजकुमार युजवेंद्र के पास स्वर्णिम खक के दिए हुए जादुई पंख है। इन दोनों की सहायता से हम लोग अपने अपने लोक में आसानी से रह पाएंगे, परंतु एक आशंका है, हम उन गंधर्व को पहचानेंगे कैसे? राजकुमारी नंदिता की उलझन सुन गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, देखो पुत्री, जैसे दोनों लोक एक दूसरे से अलग हैं, वैसे ही दोनों में रहने वाले प्राणी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पाताल लोक में रहने वाले गंधर्व असुर गंधर्व और आकाश में रहने वाले गंधर्व देव गंधर्व है। दोनों में समानता केवल इतनी ही है कि ये दोनों ही गायन वादन में निपुण होते हैं, और इसके अलावा उनके पास कई ऐसी कलाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल ये सबसे छुपकर सिर्फ अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। सच कहा जाए तो गंधर्व रूप और गुण के बहुत धनी होते हैं। हाँ, मगर वहाँ उन दोनों के अलावा और भी गंधर्व तो होंगे, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें जिससे मिलना है वो गंधर्व कौन सा है? राजकुमार युजवेंद्र ने जिज्ञासा जताते हुए पूछा, तो गुरुजी बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हें इसका आभास हो जाएगा, और यदि फिर भी मन में कोई दुविधा रही तो तुम दोनों मुझसे संपर्क साधने के प्रयास करना, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि मुझसे संपर्क बनाने से पहले प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय तुम्हें ध्यान लगाना होगा, और फिर सूर्य उदय होने पर ऐसे स्थान पर बैठना होगा जहाँ सूर्य की पहली किरण सीधे तुम्हारे मस्तक पर पड़े, तो बस उसी क्षण तुम्हारा मुझसे संपर्क हो जाएगा। तब उस समय
जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में होंगे सबका उत्तर मिल जाएगा। गुरुजी की बात सुन राजकुमार युजवेंद्र जल्दी से बोल पड़े, अच्छा तब तो हम दोनों आपस में भी इस प्रकार संपर्क कर सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ मुझसे संपर्क करने का उपाय है। तुम दोनों तो आपस में सिर्फ तभी बात कर पाओगे जब उन दोनों गंधर्वों को मिलवाने के लिए उसी गड्ढे पर लेकर जाओगे जहाँ गिरकर हिरनी और उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी। गुरुजी ने दो टूक उत्तर दिया तो राजकुमारी नंदिता परेशान होकर बोली, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस घड़ी में वहां पहुंचना है? हम दोनों तो अलग अलग रूप में रहेंगे, एक समय एक ही क्षण एक जगह पर मिलना, वो भी बिना एक दूसरे से संपर्क किए, कैसे मुमकिन होगा? इधर दूसरी ओर सभा में चंद्रमौली के पूछने पर महाराज ने कोई सीधा उत्तर ना दिया और बात को टालते हुए बोले, कुछ खास नहीं गुरुमा, कल्पी सब बता ही देगा आपको। बस आपके लिए एक नई खबर है कि कल्पी ने अपने लिए अलग रसोईया नियुक्त कर लिया है। अभी अभी जो महिला आपको बाहर जाते हुए दिखी वही अब कल्पी के लिए भोजन पकाएगी। बेहतर होगा आप एक बार उसे कल्पी की खुराक के बारे में बता दें। ठीक है महाराज, मैं देख लूंगी। ऐसा कहते हुए गुरुमा अपने कक्ष की ओर चली गई। जब वे अपने कक्ष में पहुंची तो रंभा को विश्राम करते हुए पाया। उसे देख चंद्रमौली मन ही मन सोचने लगी, लगता है यहाँ से जाते समय मैंने कड़क लहजे में जो बात की थी वो रंभा के दिलो दिमाग पर असर कर गई है, इसीलिए अब तक विश्राम कर रही है। ऐसा सोच मन ही मन मुस्कुराते हुए चंद्रमौली भी कक्ष के भीतर जाकर बैठ गई। उसकी आहट से रंभा ऐसे हड़बड़ा कर उठी जैसे गहरी नींद से जागी हो और चंद्रमौली को देखकर बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहने लगी, अरे गुरुमा आप आ गई, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो दरअसल आज सुबह सुबह जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपका कहना सही था, मैं शायद कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हूँ। इतने दिनों से बेहोशी की अवस्था में थी और फिर अब सब कुछ भूल भी चुकी हूँ, तो मन में एक बेचैनी सी रहती है, जाने कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते कब अपनी मर्यादा लांघ गई पता ही नहीं चला। परंतु अब आपके समझाने के बाद मैं समझ गई हूँ कि मुझे किसी और के बारे में सोचने से पहले खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। रंभा की ऐसी बातें सुन चंद्रमौली गदगद हो उठी। उसे लगा जैसे उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर जा लगा हो, मगर वो कुछ कह पाती तभी रंभा बड़ी आत्मीयता से बोली, आपके समझाने का ही नतीजा है कि अब मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हूँ। जब से आप टापू पर गई तब से मैं सो ही रही थी, अभी आपकी आहट सुनकर ही जागी हूँ। अच्छा आप टापू के हाल सुनाइए, कैसे हैं वहाँ सब लोग? अरे मैं तो भूल ही गई, आप थक गई होंगी। आप ऐसा कीजिए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे टापू के बारे में विस्तार से बताइएगा। ऐसा कह रंभा जल्दी से पानी लेने गई और चुपचाप नजर बचाते हुए त्रिवेणी की दी हुई भस्म उसमें मिलाकर चंद्रमौली के पास ले आई। लीजिए गुरुमा, पहले पानी पीकर अपनी थकान मिटा लीजिए, फिर मुझे मेरी सारी सखियों के हालचाल बताइए। रंभा के कहने पर चंद्रमौली ने पानी का गिलास ले लिया, मगर वो पानी पी पाती उसके पहले ही कल्पी वहां आ गया और बड़े आवेश में आकर सभा का किस्सा सुनाने लगा। रंभा का पूरा ध्यान चंद्रमौली के हाथों में पकड़े हुए पानी के गिलास पर था और वो मन ही मन कल्पी को कोस रही थी। हाँ ये कल्पी बिल्कुल गलत समय पर आया है, वरना अभी तक तो मुझे गुरुमा की पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती। जब उसने देखा कि गुरुमा का ध्यान सिर्फ कल्पी की बातों पर है और उन्होंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया तो वो चंद्रमौली का ध्यान बटाते हुए बोली, अरे गुरुमा आप पानी तो पी लीजिए, उसके बाद आराम से कल्पी की बातें सुन लेना। इतना सुन चंद्रमौली ने पानी का गिलास रंभा को वापस पकड़ाते हुए कहा, कल्पी के साथ होने वाले अन्याय को देखकर अब मुझे पानी का एक घूंट भी पिया नहीं जाएगा। महाराज ने भले ही कल्पी को अपना पुत्र स्वीकार कर इस महल में रहने दिया है, परंतु महारानी आज भी इसे तुच्छ नजरों से देखती है और युजवेंद्र से कमतर आंकती है, जबकि वो नहीं जानती कि ये उनकी कितनी बड़ी भूल है। इतना कह वो कल्पी को समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो कल्पी, आज सभा में जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता कि उसमें तुम्हारी जरा भी गलती थी। हाँ महारानी को उनकी गलती का एहसास जरूर होना चाहिए और एक दिन होगा भी, फिलहाल तुम अपने दिमाग को शांत रखो। अच्छा चलो वो सब छोड़ो और चलकर अपनी नई रसोईया से मिलवाओ, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या खास था उसके व्यंजन में जो तुम खुद को ना रोक पाए। इतना कह गुरुमा तुरंत ही कल्पी के साथ वहां से चली गई और रंभा पानी का गिलास हाथ में लिए उन दोनों को जाते हुए देख निराश हो गई। इधर दूसरी ओर राजकुमारी नंदिता के पूछने पर गुरुजी ने कुछ विचार करते हुए कहा, ऐसा करो तुम दोनों अभी अपने अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ो। आज से ठीक 11वें दिन एकादशी पड़ेगी, उस दिन जब संध्या समय होगा यानी कि दोनों काल दिन और रात का मिलन होगा, उसी समय तुम अपने अपने गंधर्वों को लेकर उस गड्ढे तक पहुंच जाना। मैं तुम दोनों को एक मंत्र देता हूं जिसके द्वारा यदि कभी तुम दोनों को अपने लिए संकट जान पड़ा तो एक दूसरे से मिलने का बात करने का मन हुआ तो उसका उपयोग कर सकते हो। उस मंत्र के प्रयोग से तुम दोनों कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाओगे, परंतु इतना याद रखना कि उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, तो बहुत जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करना। इतना सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फटाफट सहमति में सिर हिला दिया। गुरुदेव ने आगे कहा, ठीक है फिर अपने अपने आसन लेकर नदी के किनारे पर चलो, मैं तुम दोनों को मंत्र देकर वहां से ही अलग अलग लोकों में जाने का मार्ग बता दूंगा। गुरुदेव का आदेश पाकर दोनों ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही देर में वे दोनों आश्रम के बाहर नदी के किनारे पर पहुंच गए। राजकुमारी नंदिता और राजकुमार युजवेंद्र दोनों ने अपना अपना आसन बिछाया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। गुरुजी ने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए मंत्र कहना शुरू किया और राजकुमार व राजकुमारी भी उनके पीछे पीछे मंत्र का उच्चारण करने लगे। इसके बाद गुरुजी ने फिर से उन्हें एक बार याद दिलाते हुए कहा, याद रखना
इस मंत्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, इसीलिए जल्दबाजी में कभी इसका उपयोग मत करना, वरना सही समय होने पर तुम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाओगे। अब तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो। इतना सुन राजकुमारी नंदिता ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और राजकुमार युजवेंद्र भी पक्षी के दिए हुए पंख लगाकर उड़ गए। क्या होगा आगे जब दोनों अलग अलग लोक में अलग अलग गंधर्वों से मिलेंगे। राजकुमारी नंदिता और राजकुमार युजवेंद्र अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे और गुरुजी की कृपा से वे दोनों शीघ्र ही अपनी अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच गए। जब राजकुमारी नंदिता पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंची तो देखा एक विशालकाय और जड़ा हुआ नक्काशीदार दरवाजा जिसके द्वार पर दो सैनिक पहरेदारी कर रहे थे। उन्हें देख राजकुमारी नंदिता सतर्क होकर सोचने लगी, इस द्वार के भीतर जाने से पहले यदि इन सैनिकों ने मुझे अजनबी समझकर रोक लिया तो मुझे अपना परिचय कुछ इस प्रकार देना होगा कि ये दोनों मुझे बिना किसी आशंका के भीतर प्रवेश करने दें। ऐसा सोच राजकुमारी नंदिता गंभीर चिंतन में डूब गई, मगर तभी उनकी नजर द्वार के आसपास बनी छोटी छोटी पत्थरनुमा कीलों पर गई जो जल के भीतर उगने वाले झाड़ियों और पौधों से ढके थे। राजकुमारी नंदिता तुरंत फुर्ती से उनकी आड़ में जाकर छुप गई और मुख्य द्वार के अलावा कोई ऐसा मार्ग खोजने लगी जिससे वो सैनिकों की नजरों से बचकर पाताल लोक के भीतर प्रवेश कर सके। तभी उन्होंने देखा कुछ जलपरियां तेजी से बढ़ते हुए बड़े आराम से द्वार के भीतर बाहर आ जा रही थी और सैनिक उन्हें रोक भी नहीं रहे थे। ये सोच राजकुमारी नंदिता ने निर्णय किया कि वे भी जलपरियों के साथ पाताल लोक में प्रवेश कर जाएंगी। ऐसा सोच वे जलपरियों के झुंड के बीच में शामिल हो गई और तैरते हुए उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। दूर से देखने पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जलपरियों के बीच राजकुमारी नंदिता भी है, मगर जब वे जलपरियों के साथ तैरते हुए द्वार के समीप पहुंची और भीतर जाने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक की नजर उन पर पड़ गई और उसने राजकुमारी नंदिता को रोकते हुए कहा, अरे देखो देखो ये तो जलपरी नहीं लगती, फिर ये जलपरियों के साथ भीतर क्यों जा रही है। दूसरे सैनिक ने जब ध्यान दिया तो उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला मार्ग पर अड़ाते हुए कहा, ठहर जाओ, तुम इस तरह जलपरियों के साथ भीतर नहीं जा सकती। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह छुपकर जाने की क्या वजह है, यहाँ तो पहले हमने कभी नहीं देखा तुम्हें, कहाँ से आई हो। वहीं दूसरी ओर राजकुमार युजवेंद्र जब आकाश में पहुंचे तो उनके लिए भी वहां के लोगों के सामने अचानक जाना मुमकिन नहीं था। राजकुमार ने देखा वहां सभी लोग बड़े आराम से घूम फिर रहे थे, ना कोई पहरा था और ना ही कोई द्वार। बहुत बड़ी खुली सी जगह थी जहां कुछ कुछ दूरी पर सोने चांदी के खंभे लगे हुए थे जो आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग बना रहे थे। वो बादलों के ऊपर बसी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया थी जहां जगह जगह बादलों के ही झरने बने हुए थे। सुंदर सुंदर अप्सराएं दिखाई दे रही थी, एक मधुर संगीत की धुन पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। आसपास कहीं फूल नहीं दिख रहे थे, फिर भी फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। एक अलग ही शांति और सुकून उस वातावरण में महसूस हो रहा था। राजकुमार युजवेंद्र बड़े आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने देखा देवताओं की सभा लगी हुई थी जहां गंधर्व अपना गायन और वादन कर रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। राजकुमार युजवेंद्र भी आगे बढ़ते हुए सभा के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक किसी अजनबी को सभा में देख सब लोग हैरत में पड़ गए और गाना बजाना एकदम से रोक दिया। तभी राजकुमार युजवेंद्र चौंक गए कि ये क्या हुआ, पर अगले ही पल उनसे किसी ने पूछा, तुम कौन हो, आकाश लोक में बाहर की दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ ही नहीं सकता और तुम्हें तो हमने पहले यहां नहीं देखा है, बताओ कहां से आए हो, कहीं कोई दैत्य तो नहीं। इधर दूसरी ओर सुमंत अन्नपूर्णा के रूप में उधमपुर के महल में पहुंच चुका था। महाराज की आज्ञा से महल का एक सेवक अन्नपूर्णा और उसके सहायक सुदर्शन को उनके कक्ष तक ले गया। कक्ष में उनका सामान रखने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, महल की रसोई नहीं दिखाएंगे क्या, हमारा मुख्य काम तो वही है। इस पर सेवक ने हामी भरते हुए कहा, चलिए मेरे साथ चलिए। सुदर्शन और अन्नपूर्णा दोनों ही सेवक के पीछे हो लिए और सेवक उन्हें महल की रसोई की तरफ ले गया। जब वे दोनों रसोई के द्वार पर पहुंचे तो सेवक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ये रही आपकी रसोई, भीतर बहुत सारे रसोई पहले से मौजूद हैं, आप जाकर अपना परिचय दे दीजिए, वो आपको पूरी रसोई अच्छी तरह दिखा देंगे। इतना क्या सेवक वहां से चला गया। अन्नपूर्णा ने देखा उनका कक्ष रसोई से अधिक दूरी पर नहीं था, परंतु वहां किसी और का कक्ष नहीं दिखाई दे रहा था, सारे कक्ष रसोई में काम करने वाले लोगों के ही थे। वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए आसपास का मुआयना करने लगी और राजकुमारी सुनैना के कक्ष को ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर तभी रंभा हड़बड़ाते हुए वहां आई और अन्नपूर्णा से टकरा गई। अन्नपूर्णा ने संभलते हुए जैसे ही रंभा को देखा तो बस देखती ही रह गई। अन्नपूर्णा रंभा की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर छाया हुआ तेज और आंखों में समाई हुई चमक से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। सुमंत जो कि अन्नपूर्णा के वेश में था रंभा को देखकर सब कुछ भूल गया, ये भी कि अभी वो एक स्त्री के वेश में है, वो तो सब कुछ भूलकर बस लगातार रंभा को देखता जा रहा था। तब रंभा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे दिखाई नहीं देता क्या, कहां ध्यान है तुम्हारा, देखो गिरते गिरते बची हूं तुम्हारी ठोकर से, अभी गिर जाती तो तुम्हारी वजह से औषधि वाला पानी भी मेरे हाथ से गिर जाता, फिर मैं गुरुमा को क्या पिलाती। वैसे तुम कौन हो। तेज आवाज सुन मानो सुमंत का ध्यान भटका और उसे ये याद आया कि वो एक स्त्री के रूप में है। ये विचार आते ही सुमंत जल्दी से संभल कर खड़ा हो गया और अन्नपूर्णा की आवाज में बोला, आहा मैं ही हूँ जिसे राजकुमार कल्पी ने अपने भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया है,
सिर्फ कल्पी ही नहीं, गुरु माँ का भोजन भी तुम ही बनाओगी। वे दोनों अभी तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, फटाफट उनके लिए कोई ऐसा पकवान बनाओ कि गुरु माँ भी कल्पी की तरह तुम्हारी पाक कला से प्रभावित हो जाए। इतना सुनते ही अन्नपूर्णा ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ जाकर कुछ ऐसा बनाओ जो जल्दी से बन सके। तभी रंभा तपाक से बोल पड़ी, ऐसा करो कोई अच्छा सा पेय पदार्थ बना दो, कोई शरबत वगैरह। सुदर्शन सहमति में सिर हिलाकर तुरंत अंदर चला गया। कुछ ही देर में चंद्रमौली और कल्पी भी वहां पहुंच गए। कल्पी ने चंद्रमौली को अन्नपूर्णा से मिलवाया तो अन्नपूर्णा ने प्रणाम करते हुए कहा, आप तो मुझे सभा में भी मिली थी मगर तब आपसे कुछ बात नहीं हो पाई थी, सभा का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चंद्रमौली उसे घूरते हुए बोली, हाँ शायद तुम्हारे ही पकवानों की गलती होगी जिसने मेरे शिष्य कल्पी को अपनी ओर खींच लिया और महारानी को यह पसंद नहीं आया। खैर अब जरा मुझे भी अपने हाथों का स्वाद चखा दो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या खास है। इतना सुनते ही अन्नपूर्णा ने सुदर्शन को आवाज दी और वो तुरंत एक थाल में दो गिलास रखकर बाहर आने लगा। मगर तभी रंभा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भस्म वाले पानी का गिलास भी उसी थाल में रख दिया और सुदर्शन के साथ साथ चलने लगी। बाहर आकर उसने अपने हाथों से उठाकर शरबत का गिलास कल्पी को दिया और भस्म वाले पानी का गिलास चंद्रमौली को दे दिया। चंद्रमौली बड़े अचरज से रंभा को देखकर बोली, तुम यहां कब आ गई, तुम तो कक्ष में थी। रंभा ने कल्पी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे कल्पी के मुंह से अन्नपूर्णा जी की इतनी तारीफ सुनी तो बस मैं चली आई, आपसे थोड़ी देर पहले ही यहां पहुंची हूं। आप दोनों बातें करते हुए आ रहे थे ना, इसीलिए आपका ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया होगा। सुदर्शन बड़ी हैरत से रंभा को देखने लगा मगर उसके दोनों हाथों में थाल था इसीलिए ना तो वो कोई इशारा कर पाया और ना ही गूंगा होने के कारण वो किसी से कुछ कह पाया। कल्पी ने जैसे ही शरबत पिया तो वो फिर से अन्नपूर्णा की तारीफ करने लगा मगर चंद्रमौली पानी पीते ही अजीब सा मुंह बनाकर अन्नपूर्णा को देखते हुए बोली, ये क्या, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तभी रंभा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे क्षमा करें, मैंने शायद आपको गलत गिलास दे दिया है, शरबत का गिलास तो ये रहा, उसमें तो सिर्फ पानी था। ऐसा कह जैसे ही रंभा ने शरबत का गिलास चंद्रमौली को पकड़ाया, चंद्रमौली का हाथ कांपने लगा। भस्म वाला पानी पीते ही उसको बड़ा असहज महसूस हो रहा था, भीतर ही भीतर उसके शरीर में कुछ कंपन सा होने लगा और वो तुरंत बिना कुछ कहे सुने वहां से अपने कक्ष की ओर भाग गई। अचानक चंद्रमौली के इस तरह जाने से कल्पी परेशान होकर उनके पीछे जाने लगा। तभी रंभा ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ कल्पी, लगता है गुरुमा टापू से लौट कर आई है तो थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं जाकर देखती हूँ, तुम रहने दो। ऐसा कह रंभा भी उनके पीछे पीछे वहां से निकल आई। अन्नपूर्णा और सुदर्शन दोनों हैरत में पड़कर ये सब देख रहे थे। इधर दूसरी ओर जब राजकुमारी नंदिता को पाताल लोक के द्वार पर खड़े सैनिकों ने पकड़ लिया तो राजकुमारी नंदिता ने सोच समझ कर उन्हें अपने बारे में बताया, मेरा नाम नंदिता है, मैं एक जादूगर हूँ और पृथ्वी लोक से यहाँ आई हूँ। इतना सुनते ही वो दोनों सैनिक जोर जोर से हंसते हुए राजकुमारी नंदिता का उपहास करने लगे और बोले, तुम जो कोई भी हो पर इस तरह द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, और तुम्हें क्या लगा किसी अजनबी को हम ऐसे ही पाताल लोक में प्रवेश कर जाने देंगे। ये दानवों की बस्ती है, यहाँ ना बाहर से कोई भीतर आ सकता है और ना ही भीतर से कोई बाहर जा सकता है, केवल जलीय जीव जंतु इस द्वार के भीतर आ जा सकते हैं, वो भी तब जब उनसे हमें कोई हानि ना हो। तुम जो कोई भी हो यहीं से वापस लौट जाओ वरना इस द्वार के भीतर जाकर फिर जीवित वापस ना जा पाओगी। द्वारपालों की धमकी सुन राजकुमारी नंदिता भी कड़क आवाज में बोली, मैं यहाँ लौट जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं पृथ्वी लोक की जानी मानी जादूगर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस संसार के सभी लोगों में अपने जादू से सबको प्रभावित कर सकूं, इसीलिए मैं इस द्वार के भीतर जाना चाहती हूँ। राजकुमारी नंदिता का विश्वास देख दूसरा द्वारपाल फिर से उन्हें धमकाते हुए बोला, सोच लो एक बार, जो गई तो वापस नहीं लौट पाओगी और यदि तुम्हारा जादू यहाँ किसी को पसंद नहीं आया तो भी तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं। ऐसा कहते हुए द्वारपालों ने उन्हें पकड़ लिया। मंजूर है, राजकुमारी नंदिता ने कहा और तुरंत बहुरूपी को याद कर अपने दो रूप बना लिए और आगे बढ़ने लगी। ये देख द्वारपाल हैरान रह गए और राजकुमारी नंदिता को छोड़ दिया। भीतर जाते ही राजकुमारी नंदिता ने देखा एक बड़ा सा महल बना हुआ था जिसके ठीक सामने एक सुंदर सा उपवन था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कक्ष बना था जहां पहरेदारों की जगह पर सैनिक नहीं बल्कि सुंदर स्त्रियां खड़ी हुई थी। राजकुमारी नंदिता उन पहरेदार स्त्रियों के पास पहुंची और आश्चर्य से पूछने लगी, ये किसका महल है और यहां सिर्फ स्त्रियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? तब एक सेविका ने कहा, ये गंधर्व कुमार बलवीर का महल है और उन्हें सुंदर स्त्रियों को अपनी सेविका बनाकर रखने का बड़ा चाव है, इसीलिए उनके महल में तुम्हें सिर्फ सुंदर स्त्रियां ही मिलेंगी। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम चाहो तो तुम भी यहां सेविका बनकर रह सकती हो, मगर तुम हो कौन? उस सेविका के पूछे जाने पर राजकुमारी नंदिता सोच में पड़ गई, फिर अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मैं यहां सेविका बनने नहीं आई हूं, मैं तो एक जादूगर हूं और अपनी जादू की कला दिखाने आई हूं, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गंधर्व कुमार स्त्रियों के प्रति इतने आकर्षित क्यों रहते हैं, क्या वे अत्यधिक कामुक प्रकृति के हैं? सेविका कुछ उत्तर दे पाती तभी राजकुमारी नंदिता को पीछे से दो व्यक्तियों की आवाज सुनाई दी, ए लड़की यहां खड़े होकर सवाल पूछने वाली तुम कौन हो, चलो तुम्हें राजा के पास ले चलते हैं। उन्होंने राजकुमारी नंदिता को पकड़ा और जबरदस्ती खींचते हुए दूसरी ओर बने एक बड़े महल में ले जाने लगे। राजकुमारी नंदिता क्रोधित होते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ जो इस तरह जबरदस्ती ले जा रहे हो, मैं तो अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ चलकर महाराज से मिलने के लिए तैयार हूँ, छोड़ो मुझे। मगर वे दोनों बस अट्टहास करते रहे और उन्होंने राजकुमारी की बात का कोई उत्तर ना दिया। राजकुमारी नंदिता ने क्रोध में आकर और तेज आवाज में कहा, तुम दोनों को शायद समझ नहीं आ रहा है, मैं एक जादूगर हूँ और अपने जादू से अभी तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, इसीलिए कहती हूँ छोड़ो मुझे। राजकुमारी नंदिता की इस बात को सुन वे दोनों दानव चुप हो गए और एक बार राजकुमारी नंदिता को घूर कर देखा, फिर पहले से भी ज्यादा जोर से हंसने लगे और बोले, हम दोनों क्या तुझे मूर्ख नजर आते हैं,
अरे तुझे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तू जादू वादू कुछ भी कर सकती है। ऐसा कह वे दोनों राजकुमारी नंदिता को तेजी से पकड़कर घसीटने लगे, जिससे वे बुरी तरह चिल्ला पड़ी। तभी उपवन में बने कक्ष से एक तेज आवाज आई, छोड़ो इस स्त्री को, स्त्रियों से बात करने का सलीका भी नहीं है तुम दोनों को। यह आवाज सुनते ही दोनों दानवों ने राजकुमारी नंदिता को छोड़ दिया और सिर झुकाकर बोले, क्षमा करें गंधर्व कुमार। राजकुमारी नंदिता ने हैरानी से पलक कर देखा तो अपने सामने एक सुंदर सुडोल हट्टे कट्टे नौजवान को खड़ा पाया। उसे देखते ही राजकुमारी नंदिता हैरान रह गई, क्योंकि वो उन्हें बड़ा ही जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या यही है वो जिसे ढूंढने राजकुमारी नंदिता पाताल लोक में आई है? राजकुमारी नंदिता ने गंधर्व कुमार बलबीर को देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि यही वो गंधर्व है जिसकी तलाश में वे पाताल लोक आई हैं। राजकुमारी को गुरुजी की कही बात याद आ गई कि जब वो गंधर्व तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। बलबीर को देखते ही वो बिना किसी आशंका के उसे पहचान गई। ये देख राजकुमारी नंदिता को समझ आ गया कि अब उनकी तलाश पूरी हुई। वे स्वयं उस गंधर्व की ओर जाते हुए बोली, देखिए गंधर्व कुमार, आपके दोनों सेवक मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए पाताल लोक के महाराज के सामने ले जा रहे हैं, जबकि मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आई हूँ। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं तो अपनी मर्जी से तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मुझे इतनी जोर से पकड़कर खींच दिया कि मेरे दोनों हाथ दुखने लगे, इनकी कठोर उंगलियों के निशान भी उभर आए हैं। ऐसा कहते हुए राजकुमारी नंदिता दुखी होकर अपने हाथ दिखाने लगी। राजकुमारी नंदिता की नीली आंखें, मासूम चेहरा और अतुलनीय सुंदरता देख गंधर्व कुमार बलवीर सम्मोहित सा हो गया और उनकी तरफ बढ़ते हुए राजकुमारी के हाथों पर पड़े निशानों को छूकर देखने की कोशिश करने लगा। मगर तभी राजकुमारी नंदिता एक झटके से तुरंत पीछे हट गई। बलवीर उनकी असहजता भांप गया। उसने दोबारा राजकुमारी नंदिता को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके पीछे खड़े दोनों सिपाहियों पर बुरी तरह चिल्ला पड़ा, किसी सुंदर स्त्री के साथ किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए ये भी नहीं मालूम है क्या तुम दोनों को? और यदि अजनबी स्त्री को देखकर तुम लोग भयभीत थे तो फिर लानत है तुम्हारे दानव होने पर। और इतनी सुंदर स्त्री किसी भी प्रकार से खतरा नहीं हो सकती, भले ही ये हमारे पाताल लोक में नई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नुकसान पहुंचाने ही आई है। एक बार कम से कम मेहमान समझकर ही सही, इसकी पूरी बात तो सुन लेते। ऐसा कह बलवीर ने राजकुमारी नंदिता से कहा, कहो सुंदरी, कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? राजकुमारी नंदिता ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, पृथ्वी लोक की एक जानी मानी जादूगरनी हूँ, मेरा नाम है नंदिता। ऐसा कहते हुए राजकुमारी नंदिता ने बलवीर को भी वही सब बता दिया जो अब तक सभी लोगों को बताया था। पूरी बात सुन बलवीर हंसते हुए बोला, क्या कहा, जादूगरनी? वैसे तो तुम्हारी सुंदरता ही किसी जादू से कम नहीं है, फिर भी हम अवश्य तुम्हारा जादू देखना चाहेंगे, मगर यहाँ नहीं। तुम ऐसा करो, आराम से हमारे कक्ष में चलकर बैठो और वहीं हमें जादू भी दिखा देना। तब तक ये सेवक महाराज के पास जाकर उनको तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हारे आने की सूचना भी दे देंगे। फिर जब महाराज को फुर्सत होगी तब वे तुम्हें मिलने के लिए बुला लेंगे। अभी तो वैसे भी महाराज सभा के जरूरी कार्य में व्यस्त होंगे। बलवीर की बातें सुन राजकुमारी नंदिता चुप रह गई, क्योंकि इस तरह उन्हें बलवीर के साथ उसके कक्ष में जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर वो कुछ कह पाती उसके पहले ही बलवीर ने सेवकों से कहा, जाओ जाकर महाराज को जादूगरनी के बारे में बताकर मिलने का समय तय कर लो, तब तक मैं इन्हें अपने कक्ष में ले जाकर इनकी आवभगत करता हूँ। सेवक तुरंत ही बलवीर की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। तभी बलवीर ने पास में खड़ी अपनी दासियों से कहा, जादूगरनी नंदिता के लिए फटाफट कुछ जलपान का प्रबंध करो। और फिर राजकुमारी नंदिता को अपने साथ ले चलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे कहा, चलिए आप मेरे साथ आइए। इधर दूसरी ओर जब रंभा चंद्रमौली के पीछे पीछे भागते हुए उसके कक्ष तक पहुंची तो दरवाजे से कक्ष के भीतर ना जाकर झरोखे के पास खड़ी हो गई और चुपचाप गुरु माँ को देखने लगी। भीतर बैठी चंद्रमौली अपना सिर पकड़े अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर ही अंदर कोई कष्ट हो रहा हो। कुछ ही देर में उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो जमीन पर ही बैठ गई। रंभा आंखें फाड़े और सांस रोके सारा दृश्य देख रही थी। उसने देखा कुछ ही क्षणों में चंद्रमौली के शरीर से एक काला सा धुआं उठकर बाहर निकलने लगा और एक स्त्री की आकृति में बदल गया। धीरे धीरे वो आकृति एक जीती जागती स्त्री जैसी दिखने लगी। उसके अलग होते ही चंद्रमौली बेहोश हो गई और वो दूसरी स्त्री गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत जो तेजो माया को खुद से अलग कर सके, आज तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझे अपने शरीर से बाहर निकाल रही है। ऐसा कहते हुए तेजो माया ने चंद्रमौली का मुंह जोर से पकड़ा और गुस्से से झकझोरते हुए छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे धुआं बनकर वापस चंद्रमौली के शरीर में समाने का प्रयास करने लगी। ये दृश्य देखते ही रंभा की आंखें फटी रह गई। वो भय और दहशत से बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, कैसे बचाए अपने गुरु माँ को। वो परेशान होकर मन ही मन सोचने लगी, ये तेजो माया आखिर है कौन, और मेरी गुरु माँ को वश में करके आखिर इसे क्या लाभ हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल्पी के लिए यहाँ आई हो और जानबूझकर गलत प्रशिक्षण देकर कल्पी को बरगला रही हो। वैसे ये जो भी है, इसके बारे में तो महाराज व महारानी को पता होना चाहिए। कल्पी अपने प्रशिक्षण के बाद जो भी करेगा उसके पीछे गुरु माँ का नाम होगा, पर असल में उसको गलत प्रशिक्षण कौन दे रहा है ये तो कोई भी नहीं जानता। अब क्या करूँ, कैसे बताऊँ सब लोगों को कि मेरी गुरु माँ किसी तेजो माया के वशीभूत होकर ये सब कर रही है, कैसे बचाऊँ अपनी गुरु माँ को? ऐसा सोचते हुए रंभा वहां से चली गई। रंभा इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान थी।
अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। वो बस ऐसे ही खामोश होकर अपने विचारों में डूबी हुई महल के भीतर इधर से उधर चलती जा रही थी कि तभी उसका ध्यान महाराज व महारानी के कक्ष से आने वाली आवाज पर गया। महारानी जोर जोर से चिल्लाकर महाराज से कह रही थी, मैं जानती हूँ कल्पी भले ही तेजो माया का लड़का है, परंतु उसकी रगों में आपका खून बह रहा है और इसीलिए आपके भीतर पिता का प्यार उमड़ने लगा है। परंतु ये ना भूलिए कि एक चुड़ैल का पुत्र होने की वजह से वो कभी इंसानों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। अरे उसे ना मुझसे कोई हमदर्दी है, ना ही मेरे पुत्र युजवेंद्र से। पहली गलती राजकुमारी नंदिता ने उसे यहाँ लाकर की और दूसरी गलती आप उस पर भरोसा करके कर रहे हैं। भरी सभा में उसने मेरा जो अपमान किया उसका विरोध भी न कर सके आप। अब मेरी बात ध्यान से गांठ बांध लीजिए, मैं कल्पी को कभी अपना पुत्र नहीं मान सकती, कभी नहीं। अरे जब जब उसे देखती हूँ तो मुझे तेजो माया का स्मरण हो जाता है। एक चुड़ैल के बेटे को इस महल में रखना ही मेरे लिए बड़ी बात है, और अब आप ये भी चाहते हैं कि मैं उसे पुत्र समझने लगूं? मुझसे ऐसा नहीं होगा। महारानी की बातें सुन रंभा के कान खड़े हो गए। उसे बार बार तेजो माया का नाम तो सुनाई दे रहा था परंतु पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो परेशान होकर सोचने लगी, यानी महाराज और महारानी तेजो माया को जानते हैं और ये सच में एक चुड़ैल है क्या? मुझे महारानी से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए गुरु माँ का सच भी बताना होगा। ऐसा सोचते ही रंभा महारानी के कक्ष के बाहर खड़ी हो गई और महाराज के वहां से निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजकुमार युजवेंद्र जब आकाश लोक में पहुंचे तो अचानक भरी सभा में सब उन्हें देखकर हैरान थे, लेकिन तभी किसी युवती की मधुर आवाज उनके कानों में पड़ी, बताओ कौन हो तुम, दैत्य या इंसान? जब राजकुमार युजवेंद्र ने आवाज की दिशा में पलट कर देखा तो बस देखते ही रह गए। उनके सामने वही गंधर्व कन्या खड़ी थी जिसकी तलाश में वे यहां आए थे। उस गंधर्व कन्या को पहचानते ही राजकुमार युजवेंद्र ने मन ही मन गुरुजी का आभार व्यक्त किया। आपने सही कहा था गुरुवर कि हम अपने आप ही इन गंधर्वों को पहचान जाएंगे। गुरुजी का स्मरण करने के बाद राजकुमार युजवेंद्र ने सभा के सदस्यों को देखा और फिर उस गंधर्व कन्या को अपने बारे में बताने लगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं यहाँ अजनबी हूँ, आप में से कोई मुझे नहीं जानता, मैं भी आप लोगों को नहीं जानता हूँ, परंतु मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया ये भी मुझे नहीं मालूम है। मैं तो बस अपने इन विशाल पंखों को लगाकर उड़ने का अभ्यास कर रहा था और उड़ते उड़ते कब आपकी इस आकाश नगरी में आ पहुंचा पता ही नहीं चला। परंतु ये जगह कौन सी है, क्या ये स्वर्ग है? हाँ देखने में ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही लग रहा है। बादलों के ऊपर बसी हुई दुनिया अभी तक मैंने बस ऐसी कल्पना ही की थी, परंतु आज सच में अपनी इन आंखों से इस दुनिया को देख पा रहा हूँ। राजकुमार युजवेंद्र की ऐसी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, किसी को भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। तभी सोमदेव ने खड़े होकर थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, कैसी बातें कर रहे हो, भला कोई नकली पंख से उड़कर आकाश लोक तक नहीं पहुंच सकता? कोई भी पक्षी बादलों के नीचे ही उड़ पाता है, बादलों के ऊपर सिर्फ हम देवता लोग आ सकते हैं और कोई नहीं, और तुम तो कोई मनुष्य जान पड़ते हो। ये सुनकर राजकुमार युजवेंद्र बड़े ही आत्मविश्वास से बोले, सही कहा, मैं मनुष्य ही हूँ और मैं पृथ्वी लोक पर रहने वाला एक साधारण सा चित्रकार हूँ, मेरा नाम युजवेंद्र है। दरअसल कुछ समय पहले मैंने अपने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही सुंदर पक्षी देखा था जिसके सुनहरे पंख थे। मुझे वो पक्षी इतना आकर्षक लगा कि मन किया उसे पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। परंतु मैं उसे कैद करके उसकी आज़ादी नहीं छीनना चाहता था, इसीलिए मैंने उसका चित्र बना लिया। उसका चित्र भी इतना सुंदर बना था कि जो देखता वही तारीफ करने लगता। जब उस पक्षी ने स्वयं अपना वो चित्र देखा तो वो इतना प्रसन्न हुआ कि मुझे अपने ये जादुई पंख उपहार में दे गया। और जब उसने ये बताया कि मैं इन पंखों को लगाकर उड़ भी सकता हूँ तो मेरे कौतूहल का कोई ठिकाना ना रहा, बस उसी के दिए हुए पंखों को लगाकर मैं उड़ने का अभ्यास करने लगा और देखिए मैं आकाश लोक तक आ पहुंचा। लगता है वो पक्षी अवश्य ही कोई जादुई पक्षी रहा होगा जिसने मेरी चित्रकारी से प्रसन्न होकर मुझे इतना अद्भुत इनाम दिया। राजकुमार युजवेंद्र की बातें सुन वहां उपस्थित सभी देवता, नृत्य करती अप्सराएं और गायन वादन करते गंधर्व सभी जोर जोर से हंसने लगे। ये देख राजकुमार युजवेंद्र हताश होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब उन देवों के बीच सभा में जो गंधर्व कन्या राजकुमार युजवेंद्र के पास खड़ी थी वो बोली, तुम्हारे पंख तो अद्भुत है ही जो तुम्हें यहाँ तक ले आए, परंतु उससे भी ज्यादा अद्भुत है तुम्हारी ये कहानी जो अभी अभी तुमने हम सबको सुनाई। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सभी मूर्ख हैं जो तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों पर भरोसा कर लेंगे? तुमने कहा तुम्हारी चित्रकारी से प्रसन्न होकर उस पक्षी ने तुम्हें ये जादुई पंख दे दिए, ऐसा भला कौन सा पक्षी होता है जो चित्रकारी देखकर ही खुश हो जाए? अपना उपहास होते देख राजकुमार युजवेंद्र थोड़े निराश हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उत्तर दिया, सच मानिए देवी ये बिल्कुल सत्य घटना है। मुझे नहीं पता कि उसको मेरी चित्रकारी में ऐसा क्या अच्छा लगा, परंतु मैं भी आपके सामने हूँ और उस पक्षी के दिए हुए ये पंख भी आपके सामने हैं। आप चाहें तो इन्हें छूकर भी देख सकते हैं, ये पंख बिल्कुल असली हैं। तब गंधर्व कन्या ने आगे कहा, अच्छा चलो मान लिया कि वो एक अद्भुत पक्षी था, परंतु जिस चित्रकारी से प्रसन्न होकर उसने तुम्हें ये पंख दिए वो चित्रकारी भी अद्भुत रही होगी। अब जब यहाँ आ ही गए हो तो अपनी चित्रकारी का नमूना नहीं दिखाओगे? हम भी तो देखें कि ऐसी कैसी चित्रकारी है जिससे प्रसन्न होकर तुम्हें इतने अद्भुत जादुई पंख मिले। इतना सुन राजकुमार युजवेंद्र हाथ जोड़कर बोले, अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं अवश्य ही अभी आपका चित्र बनाकर दिखाता हूँ। महाराज ने तुरंत ही अपने सेवक को इशारा किया और उसने चित्रकारी का सारा सामान लाकर राजकुमार युजवेंद्र को दे दिया।
राजकुमार युजवेंद्र पूरी तैयारी के साथ चित्र बनाने लगे, मगर तभी उस गंधर्व कन्या की मधुर आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा वो मुस्कुराते हुए महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी अपनी चित्रकारी का नमूना दिखा सकती हूँ? उसकी आवाज सुनते ही महाराज ने बड़ी आत्मीयता से कहा, बिल्कुल मोहिनी, तुम तो हमारे आकाश लोक की शान हो, तुम्हारी चित्रकारी देखने के लिए हम लोग सदैव ही तैयार रहते हैं। कहो, किसका चित्र बनाकर दिखाओगी आज? महाराज, मैं चाहती हूँ कि ये जो चित्रकार अभी आए हैं ये मेरा चित्र बनाए और मैं इनका, तब हम दोनों में से जो जितनी जल्दी जितना सुंदर चित्र बनाकर दिखाएगा उसी की चित्रकारी को अद्भुत माना जाएगा। इस प्रकार आप इस अजनबी की चित्रकारी भी देख लेंगे और एक छोटी सी प्रतियोगिता भी हो जाएगी। कहिए, क्या आपको मेरा सुझाव स्वीकार है? महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, तो बताओ युजवेंद्र, तुम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो ना? राजकुमार युजवेंद्र बड़ी ही प्रसन्नता से बोले, जी महाराज, मैं तैयार हूँ, बस एक छोटी सी शर्त है। आखिर क्या है राजकुमार युजवेंद्र की शर्त? क्या वे इस प्रतियोगिता को जीतकर आकाश लोक में टिक पाएंगे?